लोक सुराज अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में लगाया गया विकलांगता शिविर, 15 लोगों के बनाए गए विकलांगता प्रमाण पत्र, राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के द्वारा विकलांगता शिविर का आयोजन लोक सुराज अभियान के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में किया गया, जहां पर 15 लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह इन दिनों लगातार अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय देखे जा रहे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से चुरहट में निःशक्त जनों के लिए विकलांगता शिविर का आयोजन किया है, जिसका लाभ लेने के लिए यहां पर सैकड़ों लोग उपस्थित हुए थे, जिनमें से 15 लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्र डॉक्टरों के द्वारा बनाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव। हम अभी खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में, जहां पर लोक सुराज अभियान के तहत राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी के द्वारा यहां पर शिविर लगवाया गया है, और इस शिविर में निःशुल्क रूप से जो लोग आ रहे हैं उनका विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। यहाँ पर मरीज जो पहुँच रहे हैं और उनकी विकलांगता का परीक्षण करके जिले की टीम आई हुई है जो कि डॉक्टरों की, उनके द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर अभी तक में कई लोग आ चुके हैं और उनके माध्यम से अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। ये सीधी जिले के हमारे जो साथी हैं, उन साथियों ने विगत डेढ़ दो वर्ष से सीधी जिले में लोक सुराज अभियान संचालित किया हुआ है। लोक सुराज अभियान के तहत समय समय पर जनहित से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को हमारे साथी मिलकर एड्रेस करते हैं। पिछले वर्ष मैंने एक पदयात्रा का आयोजन किया था और उसके तहत मैंने 3 प्रमुख मुद्दे लिए थे, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाना, किसान सम्मान निधि साथियों को दिलाना, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके भू अभिलेख में अगर कोई त्रुटि है, लिखित त्रुटि है, क्लरिकल मिस्टेक है, तो उसका सुधार करवाना। अब ये दूसरे चरण में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सीधी जिले को विकलांगता से मुक्त करेंगे। इसके तहत ये शिविर का आयोजन है, ये अंतिम शिविर है। इन शिविरों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, अगर उनको साइकिल की ज़रूरत है तो उनका चिन्हांकन करते हैं, अगर उनको कान की मशीन की आवश्यकता है उसका चिन्हांकन करते हैं, अगर किसी के हाथ पांव कटे हैं तो उनका चिन्हांकन करके उनके हाथ पांव बनवाने का हम आने वाले दिनों में शिविर लगाएंगे, ट्राई साइकिल वितरण का शिविर लगाएंगे और कान की मशीन वितरण का शिविर लगाएंगे। इस तरीके से हमारा यह प्रयास है कि सीधी ज़िले में सभी विकलांगों को हम कुछ ना कुछ मदद करें, और जिसकी कुछ मदद नहीं हो पा रही है तो उसका विकलांगता प्रमाण पत्र बन जाए। उस विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे कम से कम उसको माह में 1,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी, जिससे कि वो अपना जीवन सम्मानपूर्वक इस समाज में जी सके। इसके लिए हमारा ध्यान प्रमाण पत्र बनने में थोड़ा सा समय लगता है। आज डॉक्टरों ने परीक्षण किया है और परीक्षण करके जिनका विकलांगता प्रमाण पत्र बनने योग्य है उनका उन्होंने फॉर्म भर लिया है। अब फॉर्म भरकर ये सारा कुछ जो है जो सिविल सर्जन साहब हैं उनके सामने प्रस्तुत होगा, वो इसकी एक बार समीक्षा करेंगे। समीक्षा होने के बाद पूरा ऑनलाइन ये सारा सब कुछ भरा जाएगा, और ऑनलाइन भरने के पश्चात वहाँ से इनका प्रमाण पत्र मास्टर कार्ड के रूप में जनरेट होगा। उनको जान लिया गया है, मोबाइल नंबर भी जानकारी है और उसके माध्यम से सूचना होगी ही, और फिर जिस तरीके से उनको सूचना देकर यहाँ बुलाया गया है, यानी कि हमारे कार्यकर्ताओं का तंत्र, हमारे साथियों का तंत्र, हमारे साथी सुनिश्चित करेंगे कि उनको विकलांगता प्रमाण पत्र मिले, अभी तो घर घर जाकर उनको विकलांगता प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे, और विकलांगता के कारण वो जो पेंशन के हकदार हैं वो पेंशन फार्म भी भरवाएंगे, जिससे कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर उनकी ये दिव्यांगता पेंशन भी स्वीकृत हो जाए। यहाँ पर पहुँचे अजय प्रताप सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और सीधी जिले के राज्यसभा सांसद हैं। उनसे जब हमने अन्य विषयों पर बात की, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा विषय जब भी आएगा
तो आगे हम इस विषय पर रणनीति बनाकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट की बदहाल व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा यह जानकारी आपके द्वारा मीडिया से हमें मिल रही है, इस विषय पर हम डॉक्टरों से बात करेंगे। अब देखना यह है कि आखिर इस विषय पर क्या संज्ञान लिया जाता है और मरीजों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या नहीं, मरीजों को हॉस्पिटल में मिलने वाली सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं या नहीं। विगत कई वर्षों से अपने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो BA केवल एकमात्र है अपने चुरहट के गवर्नमेंट कॉलेज में। इस संबंध में क्या आपने कुछ पहल की है? मेरे पास कभी ऐसा विषय आया नहीं है, अगर कभी कोई ऐसा विषय आएगा तो बात रखें। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे पेयजल मरीजों को सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसको लेने दूर जाना पड़ता है, और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? वैसे अब चुरहट तो नगर पंचायत है, पेयजल की समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ होगी तो मैं शिविर में हूँ और आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसका क्या निदान हो सकता है चर्चा करेंगे। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं इंचार्ज, और मेरे लेवल पर अगर कुछ सहयोग हो सकता है तो सहयोग करेंगे।